Hi, welcome to the channel and thank you for watching. This is another episode of Back to Basics. आज के एपिसोड में हम देखने वाले कि हम कंटोर कैसे कर सकते हैं. As you can see, मेरे फेस पे बहुत ही stark and nice contour है right now. We will learn in this video how to do this. Just a quick thing about the Back to Basics series. मैंने एक playlist बनाई हुई है. उसके अंदर मैं सारे episodes create कर रही हूँ. So एक episode है जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप foundation कैसे use करते हो, कौन सा foundation मैं use करती हूँ और उसको कैसे use करती हूँ. ये दो different videos है. How I make these eyebrows, क्योंकि ये बहुत basic है. तो ये how I put on mascara and make my normal lashes look like I am wearing false lashes. And now I realized कि okay, basics में अभी हमें एक step आगे बढ़ना चाहिए and we should learn how to contour and highlight. Just quickly, अगर आपको नहीं पता है कि contour क्या होता है, contouring is nothing but अपने face को shape देना. जब हम अपना normal, तो कभी भी आप when you wash your face, कभी सनलाइट में या कहीं पे भी आप अपना नॉर्मल फेस देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स हाइलाइटेड होते हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स चिजल्ड होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आपका ये चीक बोन का पार्ट हमेशा चिजल्ड रहेगा. यहाँ पर आपका एक बेसिक दिखता होगा, यहाँ पर शेडो पड़ता है, आपकी नाक पे शेडो पड़ता है, यहाँ शेडो पड़ता है. बट जब हम फाउंडेशन या कुछ लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें चली जाती है. तो उसको वापस लाने के लिए ब्राउन कलर या एक कलर जो आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है वो यूज़ करके हम कंटूर करते हैं, विच इज़ व्हाट आई हैव डन राइट नाउ. सो जो बेसिक प्लेन कैनवस बन जाता है फाउंडेशन से, उसको हमने कट किया है एंड आई हैव यूज्ड द कंटूर. सिमिलरली वी डू हाईलाइट. हाईलाइट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज एनीवेज गोना बी एक्सट्रीमली लॉन्ग. So if I'm missing on something, please let me know in the comments below. And अगर आपको ये series अच्छी लग रही है, so obviously check all the episodes. I'm gonna make a playlist और आपकी आसानी के लिए मैं उसको नीचे डाल दूँगी. अगर आपको नहीं पता है कि playlist कैसे access करते हैं तो ये देखिए, इस तरह से आप मेरी playlist पे जा सकते हो. Alright, so without talking too much, let's get right into the video and start contouring our face. So we are going to start with this palette. This is Sivanna color का palette. आप कोई भी palette use कर सकते हो. बेसिक कंटोरिंग के लिए आपको एक ब्राउन कलर का शेड चाहिए जो आपकी स्किन के ऊपर नेचुरल लगे. ज़्यादा डार्क ब्राउन होगा तो गंदा लगेगा, लाइट ब्राउन होगा तो दिखेगा नहीं. आपकी आसानी के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, आई थिंक मैं हाफ ऑफ द फेस करती हूँ और फिर आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस. एंड सेकेंड थिंग दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज अ नाइस ब्रश. ये वाला ब्रश जैसे कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी फ्लफी है और ये एंगल्ड है. देख रहे हो, ये एंगल्ड ब्रश है. ये ब्रश आपके हॉलो ऑफ द चीक में अच्छे से बैठता है, विच मीन्स कि ये अच्छे से काम करता है. दिस इज नॉट माई फेवरेट ब्रश टू कंटूर. तो अगर आपको ये ब्रश नहीं यूज करना है, आप दूसरी चीज यूज कर सकते हो, विच इज अ पाउडर ब्रश. माई पाउडर ब्रश इज दिस. ये नीचे का मैंने डंडी निकाल दी है क्योंकि मुझे अपने पर्स में कैरी करने के लिए ये छोटा सा आसान होता है. एंड एज यू कैन सी, ये भी काफी फ्लफी एंड नाइस है. बट ये नॉर्मल पाउडर ब्रश है जिससे आप पाउडर लगाते हो. बट मेरे लिए ये आसान इसीलिए हो जाता है बिकॉज जब इसको मैं इस तरह से पिंच कर दूं तो ये परफेक्ट शेप बन जाता है और मेरे गालों पे आराम से इस तरह से फिट हो जाता है. हर किसी का हॉलो ऑफ द चीक अलग अलग होगा. आपको वो कैसे डिफाइन करना है, आई विल शो यू. सो आप अपने सारे बाल पीछे ले लीजिए और आप किसी ब्रश की हेल्प से अपने होंठ के इस एंड से अपने कान के टॉप तक इस तरह से रखिए. ये जो लाइन है ये आपका हॉलो ऑफ द चीक हो जाएगा. ऐसे अगर मैं अपना फिश फेस बनाऊं तो ये वाला जो गड्ढा पड़ रहा है ये मेरा हॉलो है. काफ़ी लोगों का थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा नीचे होता है. डिपेंडिंग ऑन कि आपका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, आप अलग अलग टाइप से कंट्रोल करते हो. मैं ये ब्रश को इस तरह से पिंच कर रही हूँ, ठीक है. मैं इसको पूरा फ्लफी नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत मोटा हो जाता है कंट्रोल के लिए. कंट्रोल यूजुअली एक लाइन होती है जिसको आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हो. तो मैं इसको इस तरह से पिंच करके पकड़ूंगी और पूरा टाइम मैं इसको ऐसे ही पकड़े रहूँगी. और हम इसमें से ये प्रोडक्ट इस तरह से ब्रश के टिप पे लेंगे. और जब मैं लाइन बना रही हूँ उसके साथ साथ ही मैं इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी. तो एज यू कैन सी, मैं इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लाइन बहुत आगे नहीं आए और ये आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे भी नहीं. तो जितना आपके टेम्पल्स के पास रहेगी, जितना साइड में रहेगी उतना अच्छा है. और क्योंकि ये लाइन बहुत स्टार्क और अजीब लगती है, आप फिर से वही प्रोडक्ट लेकर इसको आप अपने बालों में भी थोड़ा सा ब्लेंड कर दोगे. सो दैट ये इस तरह से लगे नहीं कि आपने कुछ बहुत स्टार्क किया हुआ है. सो दैट्स हाउ यू डू चीक कंटूर. काफ़ी लोग यहाँ पे भी करते हैं बट मुझे नहीं पसंद क्योंकि मेरी माई फोरहेड इज ऑलरेडी स्मॉलर. मुझे और ज़्यादा नहीं करना बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो आई विल शो यू. और इसको आप यहाँ पर इस तरह से लगाओगे सिर्फ बालों की तरफ. इससे क्या होता है कि आपका फोरहेड छोटा दिखता है
क्योंकि आप शेड क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे. एंड फाइनली ये पार्ट, तो अगेन द सेम ब्रश. यहाँ पर मैं थोड़ा ओवर कंटूर कर देती हूँ हमेशा, बिकॉज एज यू कैन सी मेरा डबल चिन बहुत ज़्यादा. यहाँ पर आप कहाँ करोगे, ये आपका चीक बोन है, आप हाथ लगाकर चेक करो कि आपका चीक बोन कहाँ पे है. ना इसके ऊपर करना है ना इसके एकदम नीचे करना है, आपको यहाँ नीचे के साइड पे एग्जैक्टली अपने चीक बोन पे करना है. ऊपर करोगे तो एक्चुअली इसमें मिक्स हो जाएगा, नीचे करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं. आपको एग्जैक्टली आपके चीक बोन के नीचे करना है, ऊपर नहीं बट एग्जैक्टली चीक बोन पे, यहाँ पे लाइक दिस. देख रहे हो आप कैसे इंस्टेंटली कितना ज्यादा फर्क पड़ गया. ये वाली चीक बोन पे कुछ नहीं है तो ये मेरा पूरा एक जैसा दिख रहा है, और यहाँ पर इंस्टेंट ये हो गया. इसको भी आपको पीछे लेके जाना है, तो ऑब्वियसली टेक इट अगेन, और यहाँ आप ये कान के पास इसको इस तरह से लेकर आओगे. एंड देन ऑब्वियसली जस्ट ब्लेंड इट नाइसली, क्योंकि ये स्टार्क लाइन नहीं दिखनी चाहिए. इसको ब्लेंड करने के लिए आप नीचे लेके जा सकते हो, बट पूरी गर्दन को ब्राउन नहीं कर देना. ये साइड पूरा प्लेन वाइट है और ये साइड थोड़े से डायमेंशन आ गए हैं. हाउ डज नोज कॉन्टोर वर्क? नोज कॉन्टोर मतलब आप जितना ब्राउन कलर का पतला लाइन बनाओगे उतनी नोकीली और लंबी आपकी नाक दिखेगी, और नीचे से जितना आप उसको शेडो दोगे आपकी नाक को और उतना ज़्यादा शेप आएगा. अगर आप साइड से देखो तो मेरी नाक नॉर्मल और स्ट्रेट है तो मुझे कंटूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप सामने से देखोगे तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि मेरी नाक चपटी है ना. तो बेसिक फंडा क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपका जितना, जैसे देखो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर शेडो पड़ रहा है, ये नेचुरल शेडो है राइट, ये नेचुरल शेडो है, और यहाँ पे एक जो शाइनी लाइन आ रही है ये नेचुरल हाईलाइट है मेरे फेस का. हम ये क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेकअप और अपनी नोज का शेप थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे. सो यू विल टेक अ नॉर्मल ब्रश जो फ्लफी हो, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं हो, क्योंकि आपको लाइन नहीं बनानी है, आपको ब्लेंड करना है, तो आपको एक फ्लफी ब्रश चाहिए. और ये ब्रश में आप हल्का सा प्रोडक्ट लो, ज़्यादा नहीं, और सामने आईने में देखो और अपनी नोज को एक लाइन देना शुरू करो. सो मेरी नोज के हिसाब से मेरी लाइन बैठती है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रही है लाइन क्रिएट की हुई, सामने से नहीं दिख रहा है बट साइड से दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे लाइन किया हुआ है. वो लाइन आपको बहुत दूर से ब्रश पकड़ के आराम से आपको ये लाइन बनानी है, ओके. कुछ लोग इसको उठा के आईब्रो तक भी ले जाते हैं, आपको अगर वो करना है तो आप कर सकते हो. सो नाउ आई एम शोइंग यू दिस एंगल सो दैट मैं आपको बता सकूं कि इसको ब्लेंड कैसे करते हैं. तो आपने जब ये कर लिया तो अब ये स्टार्क लाइन बड़ी गंदी लगेगी आप इसी तरह से जाओगे, तो आपको इसको ब्लेंड करना है. ब्लेंड करने के लिए आपको सिर्फ ब्रश को इस तरह से नीचे की तरफ करना है ताकि वो लाइन ना दिखे. नाउ ये जो मैंने किया है ये तो मैंने अपनी नाक का नेचुरल शेप किया. अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो. वही प्रोडक्ट लेकर अब मैं अपनी नाक को और थोड़ा पतला करूंगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा नेचुरल शेड अगर यहाँ पे था तो मैं इसे और नजदीक लेकर आऊंगी. तो बेसिकली आप यहाँ पर जितना डार्क करोगे उतनी स्ट्रेट और नोकीली आपकी नोज दिखेगी. देखा कैसे इंस्टेंट नोज जॉब मिल गया मुझे, ऐसा लग रहा है कि मैं ऑपरेशन करा कर आई हूँ अपनी नाक सीधी करने के लिए. आपको आईने में स्ट्रेट देखना है, ना साइड ना ऊपर ना नीचे, यू हैव टू लुक स्ट्रेट राइट इनटू योर मिरर एंड देयर यू गो. अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि मुझे रियल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आप अपनी उंगली लेके इस तरह से इसको और थोड़ा ब्लेंड कर सकते हो. अब इसके बाद हाईलाइट भी होगा तो ये पार्ट को मैं हाईलाइट करूँगी तो सारी चीज़ें विल फॉल इन टू प्लेस. आई एम गोना मेक अनदर वीडियो बिकॉज बात करते करते ये वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं यूजिंग दिस ब्रश. डू यू सी, ये नीचे का पार्ट ऐसे ही रह गया लेकिन अचानक से मेरा फेस एकदम से लिफ्ट हो गया क्योंकि मैंने ये वाला ब्रश यूज किया. आपको ये इफेक्ट चाहिए, इससे आपका फेस नाइस एंड चिजल्ड एंड डायमेंशंस लगता है. सेम चीज हम ऊपर करेंगे और सेम चीज हम यहाँ नीचे करेंगे. ये देखो ये जो नेचुरल शैडो दिख रहा है आपको, ये नेचुरल शैडो पड़ रहा है, उसको आपको रिक्रिएट करना है मेकअप यूज करके. सो लाइक दैट.
कलर अच्छे से ये हो गया. माई फेस इज लुकिंग नाइस एंड कट. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कट द कॉन्टोर लाइन. नाउ वॉट डज दिस मीन? इट मीन्स कि आप एक ब्रश में काफ़ी सारा पाउडर लो और यहाँ नीचे से अगर आपको लग रहा है कि नीचे चला गया ये कुछ, तो आप इसको शार्प करो. सो इफ यू पुट पाउडर लाइक दिस इतने हिस्से में जहाँ पे आपने कॉन्टोर किया है वो नहीं, तो अगर आप इस तरह से पाउडर लगाते हो तो आपकी कॉन्टोर लाइन और शार्प हो जाती है और अच्छी दिखती है. जब मैंने कॉन्टोर किया एग्जैक्टली उसके नीचे मैं पाउडर लगाकर उसको और शार्प एंड क्लियर करूँगी. अगर आपको शार्प कॉन्टोर के एग्जाम्पल्स देखने हैं तो आप तारीफा सॉन्ग देख सकते हो वीरेदे वेडिंग का. उसके अंदर सोनम कपूर का बहुत स्टार्क कॉन्टोर दिख रहा है. प्रॉपर ऐसी लाइन की हुई है और उसमें बहुत स्टार्क उसका कॉन्टोर दिख रहा है. सो या दैट वॉज ऑल अबाउट कॉन्टोरिंग. मैं इसके बाद अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ बिकॉज आई एम श्योर ये वीडियो बहुत लंबा होगा, कम से कम 12-13 मिनट का होगा. आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो अबाउट हाईलाइटिंग. हाईलाइट एंड कॉन्टोर टुगेदर लुक्स अमेजिंग ऑन योर फेस. सो नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू यूज सेम पैलेट, सेम ब्रशेज एंड एवरीथिंग, बट आई एम गोइंग टू हाईलाइट एंड शो यू कि हाईलाइट किस तरह से आपके फेस पे काम करता है. सो लेट्स क्विकली गेट आउट ऑफ दिस वीडियो एंड गो देयर.